हाय वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवेंट नेचुरल नंबर्स तो ये पूछा है कि ये सारे क्यूब्स हैं तो जिसके भी क्यूब हैं ये क्या वो इवेन नंबर है मतलब यही पता करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इवेंट नंबर का क्यूब है ओके okay? तो इवेंट नंबर वो नंबर होता है जिसके यूनिट्स प्लेस पर जीरो हो टू हो या फोर सिक्स एट इन सभी में से कोई भी एक नंबर यदि आता है यूनिट्स प्लेस पर तो आप कहोगे कि दैट इज़ एन इवन नंबर ठीक है तो एक प्रिंसिपल है उसको समझ लीजिए यदि हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो दैट विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर जैसे कि मान लीजिए फोर है फोर क्या है इवन नंबर है यदि इसका हम क्यूब निकालें तो आएगा सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर भी क्या है इवन नंबर है और यहां देख रहे हैं फोर आ रहा है फोर बता रहा है यूनिट्स प्लेस पर कि 64 इज एन इवन नंबर ओके लाइकवाइज सिक्स का यदि हम क्यूब निकालेंगे तो 36 36 6 216 216 सो so, uh, यहां 216 इज आल्सो एन इवन नंबर इट मींस क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर तो इसका मतलब कि यदि यह दिया रहेगा कोई नंबर मतलब कोई क्यूब दिया रहेगा और ये पूछ लेगा कि बताइए ये जो क्यूब दिया हुआ है यह इवन नंबर का क्यूब है या ऑड नंबर का क्यूब है केवल आपको देखना क्या है कि वह नंबर इवन है या ऑड है दैट्स इट तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम वही चीज समझ करके यहाँ पर सोल्यूशन वी नो दैट वी नो दैट क्यूब ऑफ क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज एन इवन इवन नेचुरल नंबर मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर ओके okay, तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लिख करके डायरेक्टली बोल सकते हैं यहां पर कि 216 इज एन इवेन नंबर सो इट इज अ क्यूब ऑफ एन इवेन नंबर देयर फोर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 216 216 इज एन इवेन नंबर एंड इट इज क्यूब ऑफ एन इवेन नेचुरल नंबर ठीक है 512 इज एन इवेन नंबर क्योंकि यहाँ पे टू है तो बता रहा है यूनिवर्स प्लेस पर तो फाइव हंड्रेड इज इवन नंबर और इट इज क्यूब ऑफ एट और इट इज़ आल्सो इवन नंबर यहाँ देखिए सेवन ट्वेंटी नाइन इज एन ऑट नंबर एंड देर फॉर इट इज इट कैंट बी अ क्यूब ऑफ एन इवन नंबर तो इसको हम ले लेंगे वन थाउजेंड वन थाउजेंड इज एन इवन नंबर एंड इट इज अ क्यूब ऑफ एन इवन नंबर टेन थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव इज ऑट नंबर एंड इट कैंट बी

तो so 125 इज एन ऑर्ट नंबर 343 इज एन ऑट नंबर बिकॉज दे एंड विथ एन आउट नंबर ओके देखिए फाइव एंड कर रहा है आउट नंबर से थ्री भी एंड कर रहा है ऑट नंबर से बट दिस इज नॉट एन ऑर्ट नंबर ओके दिस इज ऑल्सो नॉट एन आट नंबर दिस इज ऑल्सो नॉट एन आर्ट नंबर दिस इज ऑट नंबर सो ये जो तीनों हैं यही आपके आंसर होंगे तो यहाँ बोला कि विच ऑफ दर क्यूब्स ऑफ नेचुरल So 125, 343 and 6859 are cubes of odd natural numbers. हंड्रेड answer likh sakte hain is tarike se नंबर्स आप आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से ओके okay? तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये सिंपली आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के हिसाब से लिख लेंगे या बिल्कुल वो जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था उसको लिख करके फिर आंसर दे सकते हैं और आप ये भी रीजन लिख सकते हैं कि सिंस दीज नंबर्स आर ऑर्ड नंबर्स सो दीज आर द ओनली नंबर्स विच कैन बी क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ठीक है एंड दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स बाय